मुनव्वर फारूकी और कंगना रनौत के बाद अब पायल रोहतगी ने अपना सीक्रेट लोकअप शो में बताया है। उनका सीक्रेट जानकर हर किसी की आंखों से आंसू बाहर निकल गए। पायल रोहतगी ने मां न बन पाने का जो दर्द कई साल से मन में दबाया हुआ था वह आंसू बनकर छलक उठा। पायल ने अपने इस दर्द को लोकअप की चार दीवारी में अपने चाहने वालों के सामने जाहिर किया और रोती रहीं। पायल रोहतगी ने कैमरे पर बताया कि वह कभी भी मां नहीं बन सकती। पायल रोहतगी एक मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में उभरी हैं। रियल लाइफ में बेहद बिंदास और बोल्ड छवि वाली पायल रोहतगी ने पर्सनल लाइफ में बेहद उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्हीं उतार चढ़ाव में से एक के बारे में वो बताकर रो पड़ी। लोकअप में कैमरे के जरिए फैंस को अपना सीक्रेट बताते हुए पायल रोहतगी ने रिवील किया कि उन्होंने IVF भी करवाया था लेकिन असफल रहा। वह कभी भी मां नहीं बन सकती और इसी वजह से उन्होंने मंगेतर संग्राम सिंह से शादी नहीं की है। पायल रोहतगी ने आगे कहा कि वह पेरेंट्स बनने के लिए काफ़ी कोशिश कर चुके हैं। वह बोली, मैं मां नहीं बन सकती, मेरे बच्चे नहीं हो सकते। मैंने सोचा था कि हम शादी तब करेंगे जब मैं प्रेग्नेंट होंगी, इसलिए मुझे मेंटली और फिजिकली फिट होना है, एक्टिंग करनी है और इस लाइफ के साथ चलते जाना है। 4 से 5 साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, इसलिए अब संग्राम को रास्ता ढूंढना है। शायद उन्हें भी पता चल चुका है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैंने IVF करवाया पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। पायल रोहतगी आगे कहती हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी और से शादी कर ले जो बच्चा पैदा कर सके। कभी कभी मैं ऐसा बोलती हूँ। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह 2011 से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और साथ रह रहे हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह की मुलाकात रियलिटी शो सर्वाइवर इंडिया के सेट पर हुई थी। इसके बाद पायल रोहतगी ने 20 साल की एज ग्रुप वाली लड़कियों को सलाह दी कि वो एग फ्रीज करवा लें ताकि वो बाद में आगे चलकर कंसीव कर सके और उनकी जैसी स्थिति से ना गुजरे। वो कहती हैं, जो भी लड़कियां अपने 20s में हैं प्लीज़ अपने एग फ्रीज करवा लें। जब आप अपने एग फ्रीज करवा लेंगी तो आप 30s और 40s में कंसीव कर पाएंगी। पायल रोहतगी को इस तरह रोता देख उनके मंगेतर और कॉमनवेल्थ चैंपियन हैवी वेट पहलवान संग्राम सिंह मानो अपने भावनाओं को रोक नहीं पाए। वह भावुक हो गए और एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, पायल और मैं एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं। वह एक बहुत सशक्त महिला है और एक बेटी है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हमेशा हम एक दूसरे का साथ देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैंने पायल से बेइंतहा प्यार किया है। संग्राम सिंह ने आगे कहा, चाहे कोई भी हालात हो मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। अगर वह मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं और शादी कर लूँगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती। मेरे लिए वह एक संपूर्ण जीवन संगिनी है। हम प्यार से हर कमी को पूरा कर देंगे।